चेन्नई ने की दमदार वापसी, रोमांचक मैच में मुंबई को एक विकेट से हराया। क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल का आगाज शनिवार को वांखेड़े स्टेडियम में चेन्नई और मुंबई के बीच भिड़ंत के साथ हुआ। इस रोमांचक मैच में चेन्नई ने मुंबई को एक विकेट से हराकर आईपीएल 11 में वापसी की। चेन्नई की ओर से ब्रावो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 68 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 3 चौके लगाए। ब्रावो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। चेन्नई की ओर से दीपक चाहर ने इवन लुइस के रूप में पहला झटका दिया। शेन वॉटसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई के लिए 2 विकेट चटकाए। वहीं मुंबई की ओर से रोहित शर्मा आज बहुत ज्यादा रन नहीं बना सके। रोहित 15 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। रोहित के बाद पारी को सूर्य कुमार ने पारी को संभालते हुए 43 रन बनाए। ईशान किशन ने भी सूर्य कुमार का बखूबी साथ दिया। ईशान 40 रन बनाकर इमरान ताहिर का शिकार बने। कृणाल पांड्या ने ताबड़तोड़ 21 गेंदों में 42 रन बनाए। इसके साथ ही आईपीएल में उन्होंने 500 रन पूरे किए। दूसरी पारी में रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। चेन्नई की ओर से शेन वॉटसन 15, सुरेश रैना 5, अंबती रायड्डू 22 और धोनी 5 रन ही बना सके। रविंद्र जडेजा भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और 12 रन बनाकर मुस्तफिजुर का शिकार बने। बैटिंग करने आए दीपक चहर भी कुछ खास नहीं कर सके। केदार जाधव ने चेन्नई के लिए विनिंग रन बनाए। मुंबई की ओर से अपना पहला मैच खेल रहे मयंक मार्कंडेय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। चेन्नई की ओर से शेन वॉटसन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।